फ्रेंड्स, आपको समझ में आया, आज मैंने हेलो नहीं बोला, आज मैंने अपना वीडियो कैसे शुरू किया ये देखिए। ये बीच में आपको दिख रहा है 383। मुझे पता है इस वर्ड ने या फिर इस नंबर ने आप सभी की नींद उड़ा रखी है। ये 383 क्या है, 383 क्या है, कौन है ये? कुछ लोग पूछ रहे हैं, सर कौन है ये 383? इतना डर है लोगों को। पहली बात तो डरने की जरूरत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। जो लोग डर रहे हैं, जिनको पता है फ्रेंड्स, वेरी गुड, कीप इट अप। जिनको नहीं पता है, ये वीडियो देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, टकाटक। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले देखिए कलेक्शन ऑफ लॉज। इसको पढ़िए, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसको पढ़िए। ये जो मैं दिखाता हूँ ना, टाइम पास के लिए मैं दिखाता हूँ ताकि आप इसको पढ़ें, ठीक है। और थोड़ा मेरे शर्ट की भी तारीफ कर दीजिए, अच्छी शर्ट पहनी है आज, थैंक यू। ये देखिए 383 ये हो गया, देखा आपने। अब ये जब आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक डेट लिखी है, 27 सितंबर 2023, 383। क्या है ये 383? 383 एक रेगुलेशन है, ठीक है, ये एक रेगुलेशन है जो स्लोवाकियन गवर्नमेंट ने निकाला है। किसके लिए? फॉरेन नेशनल्स के लिए। आप, मैं, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज के जो लोग भी स्लोवाकिया जाना चाहते हैं, वो इस रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं। अगर आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप आते हैं, ये देखिए येलो कलर से मार्क है, ये जो रेगुलेशन है, यहाँ से आपको ये रेगुलेशन मिलेगा, ठीक है। आप देखिए, पढ़िए इसको, 383/2023 मैंने आपको दिखाया, 27 सितंबर 2023, ये देखिए रेगुलेशन 383/2023, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पीडीएफ जो खुलेगा, वही पीडीएफ मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे कि ये 383/2023 क्या है, ठीक है, आप इसको समझिए। अब देखिए, मैंने आपके सामने ये पूरा रेगुलेशन यहाँ खोल के रखा है, ठीक है। ये 383 मैंने आपको बता दिया कैसे आपको आना है, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली ये एक रेगुलेशन है जो स्लोवाकिया रिपब्लिक ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है कि हम फॉरेन नेशनल्स को कैसे नेशनल वीज़ा, नेशनल डी वीज़ा फॉर वर्क दें, उसका रूल क्या है, और एम्प्लॉयर के लिए उसके रूल क्या हैं, जो आना चाहते हैं फॉरेन नेशनल उनके लिए रूल क्या है, तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है। जल्दी से आ जाते हैं इस चीज़ को, अगर आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट ए देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ए देखिए, मैं आपको बताऊंगा अभी, आप देखिए एक बार, ठीक है, क्या लिखा है। अ नेशनल वीजा इज ग्रांटेड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब आपकी जो जॉब है उसको नंबर दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, ठीक है, और वो कोड ही बताएगी कि आपकी जॉब कौन सी है। ये देखिए, देख लिया आपने यहाँ पे, थोड़ा और जूम करूँ, जैसे ये जो कोड है इसके लिए ये जॉब है, इस कोड के लिए ये जॉब है, इस कोड के लिए ये जॉब है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, जब आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इशू होता है, ठीक है, उस टाइम पे ये कोड आपके प्रोफेशन से मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो मतलब आपके एजेंट ने या एम्प्लॉयर ने सही काम नहीं किया है। तो ये चीज़ सबसे पहला रूल है 383 का, ठीक है, ये हो गया। आप देखिए फ्रेंड, मैं डिटेल में सारी जॉब्स कवर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, वेस्ट मतलब टाइम मेरे को आप लोगों का वेस्ट नहीं करना है, तो क्या कि आप लोग जल्दी से समझ जाए। बहुत सारे देखिए इसमें कोड है, आपको बस ये इंश्योर करना है कि आपकी जो जॉब है वो इस कोड से मैच होनी चाहिए, ठीक है। ये जो कोड है स्लोवाकिया का 383, उससे आपकी जॉब और आपके परमिट में वही नंबर आना चाहिए। अब देखिए दूसरा रेगुलेशन क्या है 383 का, उसको समझिए। कौन सा थर्ड कंट्री नेशनल है जिसको जॉब मिल सकती है? केवल ये जो कंट्रीज यहाँ लिखी हुई हैं उन्हीं को अभी 2024 सितंबर में उन्हीं को वर्क वीज़ा, नेशनल डी वीज़ा मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे जो थर्ड कंट्री नेशनल लिखा है यहाँ पे, उसके नीचे जो कंट्रीज आ रही हैं इन्हीं को मिलेगा, देख लीजिए नाम आप, ठीक है। जल्दी से मैं बता देता हूँ, अर्मेनिया, अजरबैजान, बोस्निया, फिलीपींस, जॉर्जिया, इंडिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मालडोवा, किर्गिस्तान, नेपाल, नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है, एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर नेशनल वीज़ा हैज नॉट बीन ग्रांटेड, मतलब आपको जब नेशनल वीज़ा मिल रहा है आपके पास स्लोवाकिया का TRP नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली ये रूल है, अगर आपके पास TRP है आप नेशनल वीज़ा नहीं ले सकते, ठीक है, सबको बताइए। अब देखिए
और आपके पास कोई पुराना नेशनल वीजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेशनल वीजा आपको वर्क के लिए एक ही बार मिलता है, वो रिन्यू अब नहीं होगा, ये इस रूल में लिखा हैज नॉट बी ग्रांटेड अ नेशनल वीजा। ये देखिए पॉइंट नंबर थ्री अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए पॉइंट नंबर थ्री, ठीक है, देख लिया फ्रेंड्स आपने पॉइंट नंबर थ्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंप्लॉयर, द इंप्लॉयर विथ हुम द थर्ड कंट्री नेशनल इज टू बी इंप्लॉयड। इंप्लॉयर के लिए भी 383 है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए, इंप्लॉयर के लिए भी है। ये देखिए इंप्लॉयर के लिए क्या क्या रूल है, एक बार फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए ताकि जब मैं बताऊं तो आपको समझ में आ जाए। ये 123 जो दिख रहा है ना, यही रूल है इंप्लॉयर के लिए, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से बताता हूं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, हु हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द टेरिटरी ऑफ द स्लोवाक रिपब्लिक फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, केवल 3 साल के लिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन है एस्टैब्लिश्ड रजिस्ट्रेशन 3 साल तक के लिए कम से कम उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो 10 साल तक जा सकता है। हु हैज नॉट बीन फाइंड, ये सब इंप्लॉयर के लिए है। पहला मैंने आपको बता दिया 3 साल तक, किसी भी इंप्लॉयर को फाइन फॉर ब्रीच ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलीगल इंप्लॉयमेंट लास्ट 2 ईयर्स के अंदर नहीं हुआ है, कोई भी फाइन नहीं होना चाहिए, एक्चुअली फाइन होना ही चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉयर को फाइन हुआ है उस एम्प्लॉयर के कभी मत जाइएगा। ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ड्राफ्ट लिस्ट पर्सुएंट हैज फुलफिल द ऑब्लिगेशन टैक्स पे, मतलब सारे टैक्सेस भर के रखे हैं। 3 रूल है आपके एम्प्लॉयर के, ये 3 रूल होने चाहिए। देखिए बहुत सारे लोगों को ये मैसेज आया होगा कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसने 3 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, टैक्स नहीं दिया है, या उसके ऊपर कोई केस चल रहा है। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने इन 3 कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है तो आपकी टाइट ऑफिस हो जाएगी। समझ गए फ्रेंड्स, मजाक कर रहा हूँ लेकिन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें अपने एजेंट से पूछिए कि क्या 383 जो ये है मेरा ऑक्यूपेशन, ये एम्प्लॉयर, ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो रही हैं कि नहीं, आपको पूछना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब सेक्शन 2 है, इसमें क्या है कि इसमें प्रोसीजर बताया हुआ है कि प्रोसीजर क्या है। द एम्प्लॉयर सबमिट्स टू द सेंट्रल ऑफिस ऑफ लेबर सोशल अफेयर्स एंड फैमिली, ठीक है। उसके बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट बनती है थर्ड कंट्री नेशनल्स की विद अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये देखिए यहाँ पे प्रोसीजर बताया है कि वर्क परमिट कैसे इशू होता है, ठीक है। ये देखिए सब कुछ है, ये 383 बस बढ़िया चकाचक चीज़ है, एकदम चकाचक और टकाटक, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट बनती है, पहले आपको वो, अगर मैं स्लोवाकिया का एम्प्लॉयर हूँ जो 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपनी वैकेंसी सबमिट करूँगा सेंट्रल ऑफिस एट लेबर स्लोवाकिया को। उसके बाद जिन जिन लोगों को मैं हायर कर रहा हूँ उनकी मैं डिटेल्स दूंगा, ठीक है। उसके बाद कंसेंट ऑफ द यूजर एम्प्लॉयर टू द टेम्प्रेरी असाइनमेंट ऑफ थर्ड कंट्री नेशनल, मतलब मैं उनसे कंसेंट अंडरटेकिंग कि वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट को ओबलाइज करते हैं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट से रेडी हैं काम करने के लिए। उसके बाद आपका सेंट्रल ऑफिस ऑफ लेबर क्या करेगा, लिस्ट ऑफ थर्ड कंट्री नेशनल जो है उसको अप्रूव करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भेजता है विद इन 10 वर्किंग डेज। ये देखिए ये काम कितने दिन में होना चाहिए, 10 वर्किंग डेज। ये देखिए यहाँ लिखा है ना 10 वर्किंग डेज विद इन, जहाँ मेरी अंगली देखिए इसको हटाऊंगा देखिएगा अभी, विद इन 10 वर्किंग डेज, समझ गए आप, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ड्राफ्ट। कौन क्या क्या डिटेल उसमें होना चाहिए थर्ड कंट्री नेशनल का, ये डिटेल एम्प्लॉयर को देना है। अगर एम्प्लॉयर ने ये डिटेल नहीं दिया तो टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा, मतलब जब एम्प्लॉयर आपका इनिशियल सबमिशन कर रहा है तो ये डिटेल देनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने एजेंट से पूछने हैं, अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आपका जो भी परमिट आ रहा है वो गलत है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड, मैं हमेशा बोलता हूँ अपना एजेंट खुद बनिए, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिटेल्स आपने दे दी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 आता है, सेक्शन 3 में वेरीफिकेशन होता है। अगर आप देखेंगे सेक्शन 3 में वेरीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। कैसे होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है इफ़ द एम्प्लॉयमेंट इज अंडर द सेक्शन 1A, 31, 32, 34, 36, 40, 46। ये सेक्शंस हैं जिनको मिनिस्ट्री टिक करती है कि हाँ भाई ये वर्क परमिट मेरे पास आया है, सेक्शन 31 टिक, इसके हिसाब से 32 के हिसाब से, 34 के हिसाब से, 36 के हिसाब से, 40 के हिसाब से, 46 के हिसाब से। आप खुद देखिए यहाँ, ये लाइन देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से लास्ट तक जा रही है। और दूसरा क्या है उसके बाद, दूसरा क्या है, द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉपी ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर द जॉब परफॉर्मेंस और कॉपी ऑफ द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर द जॉब परफॉर्मेंस, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में है कि नहीं। आप सोचिए आपका जब वर्क परमिट निकलता है तो ये सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉयर के पास होनी चाहिए, तभी जो वर्क परमिट आएगा और जेन्युइन होगा। वो वर्क परमिट अगर आपके पास आएगा आपको अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत होगी ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो कौन सी एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट नहीं देगी बताइए। और ये एम्प्लॉयर
जब एम्बेसी को मेल करेगा तो एम्बेसी अपॉइंटमेंट तक से देगी, क्योंकि एम्प्लॉयर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो जो तीन कंडीशन मैंने आपको बताई, समझ गए आप? वेरी गुड। सेक्शन फोर क्या है? द नेशनल वीजा शैल इंडिकेट द कोड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जो मैंने आपको बताया था नेशनल वीजा में आपका कोड आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद सेक्शन फाइव है, ऐसे करते करते आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पे चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको सेक्शन फोर तक ही जाना है, सेक्शन फाइव में अलग से बताऊंगा। तो ये था फ्रेंड्स मोटा मोटा जो मैंने आपको बता दिया 383। प्लीज़ ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान देंगे तो आपके साथ कभी कोई नुकसान नहीं हो। कोई डाउट है फ्रेंड्स, गाइडेंस का पैकेज ये। टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए।